आपने कभी गौर किया है ना? आप लोग बताइएगा सच्ची में, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है, जो सच सच बताएगा। मैंने अक्सर ऐसा गौर किया कि जब मैं मुसीबत में फंसता हूँ तो मेरा दिमाग तेज काम करता है और ऐसे ऐसे सोल्यूशन निकालता है, है ना। हम लोग कभी मुसीबत में फंस जाए तो हम लोग कुछ ना कुछ तरकीब निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस मुसीबत से बाहर निकल जाएं, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो आपको दूध अच्छा नहीं लगता, मम्मी आ रही है, आपको पता है कि मम्मी आ रही है, दूध पिलाएगी जबरदस्ती, इतने में आपका ब्रेन निकालता है अंदर से एक आइडिया, थासू आइडिया, मम्मी मेरी तो तबीयत खराब है, मम्मी मुझे तो उल्टी आ रही है। व्हाट आर दीज, दीज आर आइडियाज डेवलप्ड बाय योर माइंड। आपका माइंड मुसीबतों में ज्यादा काम करता है ना। ब्रेन क्या करता है, बेसिकली ब्रेन बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है जब सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है। कुत्ता पीछे पड़ा है तो आप भागोगे, दिमाग चलेगा कि मैं क्या करूं, तब आप दिमाग, आपका अवचेतन मन और आपका अवचेतन दिमाग, मतलब क्या बोलते हो उसे, जो आपका माइंड है ना, बेसिकली आपको ऐसे आइडियाज देगा जिससे आप उस मुसीबत से बाहर निकल सको। तो जब सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है ना तो आपका दिमाग ना बहुत तेज भागता है। आप देखना, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है लाइफ में, ऐसी सिचुएशन में फंसा हूं मैं कि ऐसा लगता था गया गया गया, पर मेरे साथ खास बात है, मेरी किस्मत है ना, मैं हमेशा से बोलते थे मेरी किस्मत है ना टाइम पे काम, बिल्कुल एंड टाइम पे काम करती है, बिल्कुल एंड टाइम पे जब पता लगता है कि अब तो ये मरने वाला, पकड़ लो इसको, तब जाके काम करती है, अदरवाइज मेरी किस्मत काम नहीं करती थी। मैंने बहुत बार परखा अपनी किस्मत को, लेकिन ये मेरी किस्मत की मजेदार बात थी कि जैसे ही पता लगता है कि तो एंडिंग पॉइंट है, अब इसके बाद नहीं संभल सकता, तब किस्मत ऐसा पासा पलटती थी कि मैं बिल्कुल सही सिचुएशन पे पहुंच जाता था। तो इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। अगर आपका सर्वाइवल का क्वेश्चन आएगा ना तो आपका माइंड जो है ना बेसिकली पूरी एनर्जी के साथ और पूरी परसेंटेज के साथ